हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एनवायरनमेंट टिप्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे खड़े गरम मसाले के बिजनेस के बारे में। खड़े गरम मसाले की डिमांड मार्केट में काफ़ी रहती है और आज इस वीडियो में हम 10 रुपए वाले खड़े गरम मसाले को कैसे पैक करना है, एक पैकेट में कौन सा मसाला किस वजन में भरना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही तेज़पत्ते को पैकेट में रख लिया है। वजन से लगभग 4 ग्राम तेज़पत्ते को पैकेट में रख कर आप पैकेट के नीचे पिन लगा दें, जिससे तेज़पत्ता बाहर ना आए और आप सभी मसाले आसानी से भर सकें। सबसे पहले आपको थोड़ा सा छड़ीला पैकेट में रख लेना है। उसके बाद आपको एक पीस बड़ी इलायची रखना है। बड़ी इलायची को आप अपने एक उंगली से दबा लें, जिससे बाकी के मसाले आप पैकेट में तेज़ी से भर पाएँ। आप पैकेट के एक तरफ दालचीनी के 4-5 टुकड़े वजन से लगभग 2 ग्राम और उसके बाद एक चुटकी पोस्ता दाना भरना है। इसके बाद हमको लेना है जीरा वजन से लगभग 1 ग्राम। उसके बाद आप 10 से 12 दाना काली मिर्च ले लीजिए, ये भी वजन से लगभग 1 ग्राम रहेगा। इसके बाद आप पैकेट में रखें 2 छोटी इलायची। इसके बाद रखने हैं 2 पीस लौंग। लौंग रखने के बाद हमें लेना है जावित्री का एक टुकड़ा और पैकेट में रख देना है। और इसके बाद हम रखेंगे जायफल का एक टुकड़ा। जायफल के बाद आप चाहें तो एक खड़ी लाल मिर्च पैकेट में रख सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब बारी आती है पैकेट को सील करने की। पैकेट को दोनों तरफ स्टेपलर से सील कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पैकेट देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और सभी मसाले अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी भी तरह की मशीन की जरूरत नहीं है। खड़े मसाले के बिजनेस को आप 5,000 रुपये की कम लागत से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यह बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।